महान पुरुष बिंदेश्वर पाठक जी एंड सारे ये संस्था के डायरेक्टर जो भी हो, चेयरमैन हो, मेंबर्स हो, सारे यहाँ के काम करने वाले सारे लोग, स्टूडेंट्स, बहुत गरीब लोग भी यहाँ प्रस्तुत है। मुझे तो बिंदे साहब, मुझे तो बहुत खुशी हो गया आज ये सारे देख के। ये बात मंत्री होके नहीं कह रहा हूँ, मैं एमपी होके 15 बरस पहले आया, वो आपका सुलभ संस्था के बारे में मेरे घर में कोई बुक ला के छोड़ा था बहुत दिन पहले। वो देख के, अरे बाप रे, ये आदमी कौन है, कितना अच्छा काम कर रहे है दुनिया में, हर लोगों का नसीब में ये काम करने का भगवान तो नहीं लिखा है, ये बिंदेश्वर पाठक साहब के नसीब में भगवान ने लिख के भेजा है, उसको जरूर मिलना, ये मैं सोचा था। भगवान का मर्जी, देखो मंत्री होने के बाद आपका संस्था में मैं पांव रखने का उम्मीद, भगवान ने मुझे ये मौका मिला, मैं तो बहुत खुशी हूँ। सारे दुनिया में आपके जैसे लोग सोचे तो ये गंदगी का बात ही बहुत अलग रहता है, ऐसा नहीं सोचते है, बहुत कम लोग सोचते हैं आपके जैसे। मैं तो आज तो बहुत बहुत खुशी हो गया, ये सब कुछ आपका देख के बहुत अच्छा भी है, लेकिन आपको बहुत पहले ही सरकार आपको रिकग्निशन करने का था, आप जो काम किया को, आप जो इंट्रोड्यूस किया है बहुत बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये क्यों हो गया मुझे मालूम नहीं है। मुझे लगता है वेस्टेड इंटरेस्ट लोग सरकार के साथ बैठा है, वो वेस्टेड लोग, वेस्टेड है, क्या बोलते हैं वो, नाम नहीं आ रहे है मुझे, वेस्टेड वो इंटरेस्ट जो लोग है वो अपने का साथ नहीं दे रहे, ये मुझे लग रहे है, रहने दो। अभी तो हमारा प्रधानमंत्री तो ये स्वच्छता का बारे में बहुत इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट लेके मुझे भी वो काम लगा। मेरा दोस्त ने, मुझे एक लोग ने बोला, इंडिया टुडे में मैं जब भी मंत्री हो गया, वो इंडिया टुडे में एक स्मॉल वो स्क्रिप्ट आया था, वो प्रधानमंत्री साहब के साथ मैं एक छोटा वो झाड़ू लाके मैं ठहरा था बाजू में, वो चेस्ट ही किया, वो ये देखो तुमको हाथ में ये क्या झाड़ू लगा दिया है। मुझे बहुत खुशी हो गया वो सुन के, प्रधानमंत्री जी के साथ ये काम लगाया, मुझे बहुत खुशी हो गया। ये गांधी जी ने कितना बरस पहले ही ये सोचा था, ये गंदगी जाना है दुनिया में, ये अपने प्रधानमंत्री, देखो इतना प्रधानमंत्री लोग ये दुनिया में हो आ गया, कोई भी ऐसे नहीं सोचेगा गंदगी नहीं रहना। हम बहुत दूसरे कंट्री में घूम के आया है, अपने आप मेरे वैसे टूर करके आया, किसी देश में भी इतना गंदगी मैं नहीं देखा जितना अपने पास है, अपने दुनिया में है। अमेरिका में देखो, कुत्ते सुबह लेके जाता है हाथ में एक थैली लेके जाता है, मैं पूछा आदमी, भैया ये थैली क्यों आप ले, वही यू आर टेकिंग दिस बैग विथ यू, बोला देखो ये हमारा कुत्ते जो डिस्पोज करता है उसको लेके हम दूसरे जगह में फेंक देते हैं, गंदगी नहीं करते। आई थिंक बिकॉज ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर सर अपने दुनिया में इतना एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन के वजह से ये गंदगी का हम साफ करते हैं बोल, ऐसा मुझे सोचने में आता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को एजुकेशन रहना, एजुकेशन के साथ हम लोग भी एजुकेट करना उनको, ये करो ये करो ये करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। देखो मैं, हम लोग केरला गए थे, वो तो ODF डिक्लेयर करने का वक्त आ गया, 95% अचीवमेंट किया केरला में, क्योंकि केरला इज द 95% एजुकेटेड है, डॉक्टर सर सारे लोग एजुकेटेड है, बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन नाउ द केरला इज डिक्लेयर एज ODF स्टेट,
और मणिपुर में है, सिक्किम में, वो भी बहुत नजीक में आ गया डिक्लेयर करने। ये सारे देश में, जगत में एक 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 स्टेट ऐसे ODF हो गया, तो वो दिन तो बहुत दूर तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी लास्टली मोदी जी ने ये सोचा है, ये देश को गंदी जो है वो हटाना है ये देश से। वो ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बोला ना, अक्टूबर 2014 में वो तो डिक्लेयर किया है, 2019 तक देश में जितने हैं वो पूरा वो गंदगी जाना है, ये डिक्लेयर तो किया है। ये जितने लोगों को ये लैबोरेटरी नहीं है उनको लैबोरेटरी के लिए पैसा देना, गवर्नमेंट के सहकार करना, ये सब कुछ कभी पहले ही सोचे तो, हर प्रधानमंत्री सोचे तो, डॉक्टर साहब इतना गंदगी हमारा देश में नहीं रहता था। ये ही इज द फर्स्ट मैन आफ्टर गांधी जी के बाद, ये मोदी जी ने फर्स्ट आई थिंक ही इज ए प्राइम मिनिस्टर इसका बारे में सोच के ये काम मुझे भी लगा है ये करने के लिए। ये बहुत संतोष का बात है। और ये स्वच्छ बात तो ये नया नहीं है, ये दुनिया में जितना देश बढ़ा रहे ऐसे प्रॉब्लम से हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम भी बढ़ा रहे, ये वो सभी प्रॉब्लम में ये गंदगी भी एक प्रॉब्लम बन के हमारा बीच में ठहर गया। ये सभी लोग, सिर्फ मोदी जी बोला, रमेश जी ने बोला, डॉक्टर साहब बोलने से ये गंदगी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। हर इंसान का मनस में ये पैदा होना, हर इंसान का मन में ये आना, हर स्कूल का बच्चों का बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूल बच्चे देखो, मैं परसों दिन वहाँ रायचूर गया था, मेरा जिले में, मेरा स्टेट में, एक स्कूल का बच्ची बहुत घर में झगड़ा निकला। ये जितनी जिस दिन तक तुम लोग ये संडास घर में नहीं बनेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो खाना छोड़ दिया, 15 दिन छोड़ दिया, 8 दिन छोड़ दिया। बाद में वो पंचायत के लोग आया, बहुत समझाया, ये पंचायत चेयरमैन आया, वो भी समझाया, किसी का बात नहीं सुनी बच्ची। फाइनली वो घर के लोगों ने डिसाइड किया, हम जरूर 8 दिन में 10 दिन में, हम तो गरीब है, कैसे भी करके हम बांधते 8 दिन में तुम खाना खाओ, बोल के उसका मन चेंज करके उसको खाना खिलाया। मैं उसको घर में संडास भी बनाया 8-15 दिन में, सभी पब्लिक ने हेल्प किया। ऐसे बच्चों का मन में आना, स्कूल बच्चे इज द वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सर प्लीज यू कन्विंस, स्कूल बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है। आजकल जमाने ये ओल्ड जमाना गया। देखो मेरा घर में कोई भी एजुकेटेड नहीं है, मेरे घर में आई एम द फर्स्ट मैन BA पास हो गया, आई एम ए फर्स्ट मैन पॉलिटिक्स में एंटर हो गया। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी वो चेंज होते रहना, चेंज होना, अभी वो वक्त आ गया, ये गंदगी खत्म करने का वक्त आ गया। ये स्कूल बच्चे हमारा छोटे छोटे बच्चे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी बोला ये बाहर फेंक दिया तो मोजी दी देखता है, ये बच्ची बोला बोल रहे, क्योंकि आजकल दुनिया में ये बच्चे लोगों का काम, ये हमारा साथ देना बहुत अच्छा है। सिर्फ मोदी जी, रमेश जी जिनकी, डॉक्टर बिंदु साहब मन नहीं किया तो नहीं चलने वाला है। सारी दुनिया के मन में आना, सारे लोगों का, हर जितने लोग हैं उतने लोगों का मन में ये गंदगी नहीं करना। हमारा पहला, मेरा घर साफ करना, मेरा गांव साफ रहना, मेरा तालुक साफ रहना, मेरा देश भी ऑटोमेटिक वो साफ होते हैं। एक एक के साथ एक एक जुड़ा है। इसके लिए मैं आज सब लोगों का ये मौके से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सारी दुनिया के लोगों को, ये हम बहुत से बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी का तो अक्टूबर 2019 में ये सारी दुनिया के जिंदगी गंदगी खत्म करने के लिए सोचा है। सारे देश के लोग प्रधानमंत्री का वर्ल्ड के साथ सब मिलना ये बहुत जरूरी है करके बोल के, बिंदे साहब सुलभ इंटरनेशनल सोसाइटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग इन डायरेक्शन ऑफ सिंसियर 46 ईयर। डॉक्टर बिंदेश्वर दुबे पाठक जी हैज़ बीन दी वर्किंग एज दी अचीविंग सक्सेस इन दी फील्ड ऑफ दी
cost, effective sanitation, liberalization of the scavengers, social transformation of the society. I am delighted to be with a man who has stood for true Gandhian philosophy and envisaged real need of the people decade ago. This exemplary work in the field of sanitation is the commendable. I would here with their request Sulabha to keep up the great work and increase its food footprints in the southern India. Thank you very much. Jai Hind.